उपमंडल ज्वालामुखी के गुम्मर पंचायत में डिजिटल युग में पांच मोक्ष धाम वर्षों से अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। गुम्मर के शमशान घाटों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। इस बड़ी समस्या का समाधान को लेकर ग्रामीणों व सामाजिक संस्थाओं ने गुहार लगाई है। स्थानीय निवासियों भगवान दास, विपिन कुमार, राहुल, आशीष, मुकेश, सुखदेव, राकेश आदि ने बताया कि पिछले कई वर्षों से शमशान घाट दयनीय स्थिति में है। ना तो यहाँ का रास्ता ठीक हालत में है और ना ही यहाँ बैठने के लिए स्थान है और ना ही बारिश बरसात के दौरान अंतिम संस्कार करने के लिए कोई उचित व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले की गंभीरता को समझते हुए यहाँ निर्माण करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। यदि समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो स्थानीय लोगों को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। इन मोक्षधाम का हाल जानने स्थानीय लोगों के साथ शिवसेना प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दीमान भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि गुम्बर के पांच मोक्षधाम फॉरेस्ट लैंड में पिछले बहुत सालों से हैं, जहां ना तो शेड है और ना ही अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं। रंजीत दीमान ने कहा कि इस पुनीत कार्य के लिए ग्रामीणों ने स्थानीय पंचायत व वन विभाग से भी कई बार आग्रह किया, लेकिन वन विभाग के नियम स्थानीय जनता के लिए आड़े आ रहे हैं और वन विभाग की अनुमति न मिलने से लोगों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि शमशान घाट में लकड़ी, पानी सहित सभी सुविधाओं का अभाव है। यहां आलम यह है कि लोगों को कई बार तेज बारिश के दौरान खुले में ही अंतिम संस्कार करना पड़ता है। रास्ते की हालत भी खराब है, जिससे लोगों को उतरने में खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। दाह संस्कार में शामिल दर्जनों मामले में लोग गिरकर चोटग्रस्त होने से घटित हो चुके हैं। लकड़ी की भी पहले से कोई व्यवस्था नहीं होती है और कई दफा एकदम से लकड़ी का प्रबंध करना मुश्किल हो जाता है। पानी की व्यवस्था भी स्वयं करनी पड़ती है। शमशान घाट के पास नाला होने के कारण तेज बहाव के चलते कई बार शव के बहने का भी खतरा बना रहता है। उन्होंने कहा कि कई बार प्रशासन व वन विभाग से गुजारिश की जा चुकी है, लेकिन स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसलिए प्रदेश सरकार पर वन विभाग जल्द से जल्द इन शमशान घाटों को बनाने की अनुमति प्रदान करे, ताकि दाह संस्कार करने में परेशानियां ना आए। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसकी वजह से इस समस्या का हल होना जा रहा है। यहां टोटल पांच तीर्थ हैं, लेकिन इतनी बुरी हालत है। हम चाहते हैं कि पूरे गुम्मर के मुर्दा घर यही है और यहाँ समस्या बहुत ज़्यादा है। साथ में नाला है, नाला कहीं ऐसा डर लगता है कि यहाँ से लाश बह ना जाए। बारिश के दिनों में बहुत तकलीफ होती है और पूरा गुम्मर इसी जगह पे आता है। ये जंगलात के दायरे में आने की वजह से हमें इसकी बनाने की परमिशन नहीं मिलती है। सरकार से गुहार लगाते हैं हम कि इसका जल्द से जल्द कोई हल निकाले। मैं मुकेश कुमार, स्थानीय निवासी गुम्मर। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार और प्रशासन को ये दिखाना चाहता हूँ कि डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मगर ये डिजिटल इंडिया कहाँ सोया हुआ है। हमारी पंचायतों तक कुछ भी अभी तक नहीं पहुँचा है। बहुत प्रधान यहाँ पे पहले भी प्रधान रह चुके हैं और आने वाले भी प्रधान हैं, मगर इस समस्या का अभी तक कोई भी समाधान नहीं हुआ है। समस्या क्या है? हमारा शमशान घाट, जहाँ हर किसी को आना है, और धीरे धीरे करके हम इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी यही कहना है कि एक अच्छा शमशान घाट यहाँ बनाया जाए, जिसपे छत हो, ताकि हमें बारिश के दिनों में ऐसे ही दिक्कत का सामना ना करना पड़े, जो हमें अभी तक करना पड़ रहा है। ना यहाँ रास्ते का अच्छा प्रबंध है और ना ही चार बंदों को बैठने के लिए प्रॉपर कोई जगह डिसाइड की गई है। धन्यवाद। रणजीत दीमान, शिवसेना पंजाब हिमाचल अध्यक्ष। आज गांव गुम्मर के पंचायत के अधीन हमारे गुम्मर में पांच शमशान घाट लगभग यहां पर हैं। ये जो एरिया है फॉरेस्ट विभाग के अधीन आता है, और जहां ये शमशान घाट हैं वहां पर ना तो रास्ता है और ना ही यहां पर कोई पानी की सुविधा है। कई बार क्या होता है कि बारिश का मौसम हो और कहीं मुर्दा जलाना हो तो बारिश की वजह से मुर्दा जलाने में भी दिक्कत आती है। ग्रामवासियों ने बार बार आग्रह भी किए, वन विभाग से भी किए, पंचायत के स्तर पर भी आग्रह किया कि हमारे लिए एक शमशान घाट ग्राम पंचायत गुम्मर में बनाया जाए, पर प्रशासन द्वारा, वन विभाग द्वारा आज दिन तक कोई अनुमति नहीं दी गई। मैं प्रशासन से, वन विभाग से, CM महोदय हिमाचल प्रदेश से बार बार आग्रह करता रहता हूँ कि ऐसे स्थानों को जहाँ
पब्लिक के लिए सुविधाएं हो, ज़्यादा नहीं तो 5 शमशान घाटों में से एक शमशान घाट की स्वीकृति दी जाए, इसको बनाने में पब्लिक का सहयोग किया जाए ताकि पब्लिक को ये परेशानी ना हो। और साथ में यहाँ पर एक नाला है, कई बार क्या होता है नाले का पानी ज़्यादा आ जाता है तो कहीं मुर्दा पानी में बह जाए, ऐसी भी समस्या कई बार देखने में आई है। तो मेरा फिर भारत सरकार, हिमाचल सरकार से आग्रह रहेगा कि इस समस्या को जितना जल्दी हो लोगों की समस्या को दूर किया जाए। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी नमस्कार, इस चैनल के माध्यम से हम आपको इस मामले एक समस्या रख रहे हैं। जो हमारा शमशान घाट है जी, वो यहाँ पर जंगल में 5 शमशान घाट है, तो यहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल होती है, बारिश के दिनों में बड़ा दिक्कत होती है जी। धन्यवाद।